हेलो दोस्तों, मैं रेखा शर्मा अपने चैनल स्मार्ट होमली लेडी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। किचन में काम करते करते दोस्तों कई बार हमसे ऐसी गलती हो जाती है या कई बार हम खाना रख कर भूल जाते हैं और हमारा इस तरीके से बर्तन बुरी तरीके से सड़ जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन बर्तन को अच्छी तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से साफ़ करना बताती हूँ कि आप किस तरीके से इसको साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास दो बर्तन हैं। एक ये मेरे पास स्टील का तसला है और एक ये मेरे पास हार्ड एनोडाइज कढ़ाई है। ये दोनों ही मेरे से गलती से जल चुके हैं, तो आज मैं इनको बहुत ही आसान तरीके से आपको साफ़ करना बताऊंगी कि अगर आपके घर पे भी आपकी गलती से कुछ ऐसे बर्तन जल जाएं तो आप उसको कैसे आसानी से साफ़ कर सकते हैं। चलिए, इसको क्लीन करने के लिए हमें क्या करना है। इसके लिए मैंने ये जो जला हुआ तसला है उसको मैंने गैस के ऊपर चढ़ा दिया है और गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दो ग्लास पानी। दो ग्लास पानी डालने के बाद अब मैं इसके अंदर डालूंगी एक कप सिरका और अब इसके बाद मैं ऐड करूंगी इसके अंदर एक पाउच सर्फ एक्सेल का। आप इसकी जगह किसी भी वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप एरिया दे सकते हैं, चाहे आप रिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरीके से उबलने देंगे। जब तक ये उबलता है तो हम क्या करेंगे, एक स्पैचुला की मदद से इसको धीरे धीरे से इसके सरफेस को स्पैचुला की मदद से धीरे धीरे रगड़ना शुरू करेंगे। इससे आप देखेंगे कि जो इसके नीचे जितना भी ये जला हुआ पोर्शन है बॉयल होते होते धीरे धीरे वो उसको जले को जो जला हुआ पोर्शन है धीरे धीरे वो पतीला या आपका जो तसला जला हुआ है उसको धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर देगा और वो धीरे धीरे इससे अलग होता जाएगा। और अब हम इसको अच्छी तरीके से बॉयल आने देंगे और जब हम इसको कड़छी से या किसी स्पैचुला की मदद से इसको हम जब हिलाएंगे तो साथ साथ आप इसके साइड्स को भी साफ करते रहें ताकि साथ साथ साइड वाला पोर्शन भी साफ़ हो जाए। अब हम इसको अच्छी तरीके से बॉयल आने देंगे। अब आप देख सकते हैं इसको बॉयल होते होते 5 मिनट हो चुके हैं और इसके नीचे की कालक है ये सारी की सारी आप देख रहे हैं कि ये पानी के ऊपर आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चलिए, अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद मैं आपको इसको किसी साफ़ बर्तन में पलट के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको सारा का सारा इसका जो पानी था उसको एक साफ़ कढ़ाई में पलट के दिखाया है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा बर्तन बिना कुछ रगड़े बिना कुछ घिसे कितना साफ़ हो चुका है, काफ़ी हद तक वो साफ़ हो चुका है। अब इसके अंदर थोड़ी सी गंदगी बची है, इसको साफ़ करने के लिए मैं अब इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा बेकिंग सोडा। ये आप देख ही रहे हैं कि जैसे मैंने बेकिंग सोडा डालने के बाद स्क्रबर की मदद से साफ़ कर रही हूँ, ये देखिए कितना ईजीली साफ़ होता चला जा रहा है। बस आपको हल्का सा रगड़ना है और उसको धीरे धीरे से साफ़ करते चले जाना है। अब ये देखिए कि अब मेरा इसके नीचे जितनी भी कालक लगी थी वो थोड़ा सा स्क्रबर के रगड़ने से एकदम साफ़ हो गई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम इसको और अच्छी तरीके से क्लीन करने के लिए थोड़ा सा डालेंगे लिक्विड जेल। आप किसी भी जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरीके से स्क्रबर की मदद से साफ़ कर लेंगे और मैं अब इसको आपको साफ़ पानी से साफ़ करके दिखाती हूँ कि हमारा बर्तन किस तरीके से साफ़ हो चुका है। ये देखिए, हमारा बर्तन एकदम साफ़ हो चुका है। कोई कह ही नहीं सकता कि हमारा ये बर्तन पहले जल चुका था। ये थी मेरी आज की वीडियो दोस्तों, आई होप ये आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।